वेलकम बैक क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपक एंड हम पढ़ रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा सेल ऑर्गेनेल्स। वी हैड कवर्ड द टू इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स इन अवर लास्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्यू मोर टूडे एंड द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज राइबोसोम। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा? वी नीड टू टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन एंड इट्स लोकेशन। सो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर स्फेरिकल डॉट लाइक। जैसे हमने जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी तो वी सो की कुछ डॉट्स लगे हुए थे उन पे एंड दीज डॉट्स वर राइबोसोम्स। ओके, सो दे आर स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एंड किस चीज़ के बने होते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल पैलेडे यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द टर्म राइबोसोम वॉज देन प्रपोज बाय रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। ओके, सो इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आप देखेंगे किसी ने ऑब्जर्व किया है एंड किसी ने टर्म दी है। सो यू हैव टू गो थ्रू बोथ द साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनको ऑब्जर्व किया एंड देन हु नेम्ड द ऑर्गेनेल। ये दोनों चीज़ें आपको हर ऑर्गेनेल में याद करनी है। तो मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, दे अकर आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं या वी कैन से पार्टिकल्स होते हैं। दे आर सिंगल वॉल्ड डेंस स्फेरिकल बॉडीज। ओके, स्फेरिकल तो आपको पता ही है कि 3D में राउंड जैसा बॉल जैसा जो होगा उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका एंड देर इज ओनली वन वॉल अराउंड देम। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स और हर राइबोसोम दो सब यूनिट का बना होता है। वन इज द लार्ज वन एंड वन इज द स्मॉल वन। वन इज द लार्जर सब यूनिट एंड ईच यूनिट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। हमने यहाँ बात कर ली कि दे आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स और इनके साथ साथ कुछ RNA भी अटैच्ड होते हैं। लेट्स सी इन द फिगर विच इज गिवन इन योर बुक। ये एक राइबोसोम है। बेसिकली जो हम रफ डायग्राम बनाते हैं वी मेक इट लाइक दिस। वी मेक वन राइबोसोम वी मेक इट लाइक दिस। वन इज द लार्जर सब यूनिट एंड वन इज द स्मॉलर। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि कैसा होता है एंड द एक्चुअल डायग्राम इज दिस। ओके, सो वी हैव वन राइबोसोम लार्ज सब यूनिट एंड देन नीचे वाली वी हैव वन स्मॉल यूनिट। जो ऊपर स्फेरिकल है दैट इज द लार्ज यूनिट और जो नीचे है वो है हमारी स्मॉल यूनिट। इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं बेटा फ्यू RNAs इनके साथ अटैच होते हैं जो इन दोनों के बीच में, लेट मी शो यू, इन दोनों के बीच में जो अटैच होता है दैट इज द mRNA। ओके, mRNA दोनों सब यूनिट्स जहाँ अटैच होते हैं उनके बीच में हम ऐसे mRNA बनाते हैं। उसके बाद होता है हमारा tRNA। ओके, tRNA में क्या होता है बेटा? लार्ज सब यूनिट पे कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स जुड़ते रहते हैं। ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या है? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब जुड़ जाते हैं तो उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। सो ये एक अमाइनो एसिड है, फिर ये एक और है, देन वन मोर। व्हेन अ लॉट ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइन टुगेदर देन वी कॉल इट एज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो दैट इज रिलेटेड टू tRNA। ये दीज आर वेरी हाई फाई थिंग्स फॉर योर लेवल बिकॉज दीज आर जनरली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपके NCERT में अभी इस लेवल की बातें नहीं होंगी बट वी वॉन्ट यू टू आउटशाइन अदर स्टूडेंट्स। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल दैट वी हैव टू RNAs एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। नंबर वन इज mRNA विच इज बिटवीन द लार्जर एंड द स्मॉलर सब यूनिट एंड ऑन द फेस ऑफ लार्जर सब यूनिट वी हैव वन tRNA एंड tRNA इज इट इज एसोसिएटेड विद अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन और अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइंट टूगेदर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। नाउ वी नो द स्ट्रक्चर, वी नीड टू टॉक अबाउट द लोकेशन। सो राइबोसोम्स आर जनरली, हमने बात करी है, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल्सो राइबोसोम्स कैन बी फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एसोसिएटेड भी हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और फ्रीली भी हो सकते हैं। सो राइबोसोम्स कैन बी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दे कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म फ्रीली। ओके, सो दे आर फाउंड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन द फ्री फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो एंड ऑल्सो हमने एक जगह और राइबोसोम देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमने देखा था कि दे हैड देयर ओन राइबोसोम्स। द राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। इंपॉर्टेंट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ न्यूक्लियस के अंदर होता है, हमने बात की थी न्यूक्लियोलस। ऑल्सो हमने न्यूक्लियोलस को बोला था राइबोसोम फैक्ट्री बिकॉज राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड देयर।
आफ्टर सिंथेसिस दे मूव आउट थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स. अब ये जब न्यूक्लियस में बन गए हैं और इनको साइटोप्लाज्म में आना है, सो व्हाट इज द वे आउट? द ओनली वे आउट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इज थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स. ओके, सो न्यूक्लियर पोर्स से वो बाहर आएंगे इनटू द साइटोप्लाज्म. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? राइबोसोम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. सो जैसे हमने अमाइनो एसिड्स बोले हैं, अमाइनो एसिड्स आर व्हाट? बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, एंड एनी पॉलीपेप्टाइड चेन इज अ प्रोटीन. प्रोटीन क्या होता है? बस पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आपको जो मैंने डायग्राम दिखाया है पीछे, दिस इज नथिंग बट अ प्रोटीन बीइंग फॉर्म्ड. यहाँ पे एक प्रोटीन बन रहा है. सो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं अल्टीमेटली? दे फॉर्म प्रोटीन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री को इनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री. राइबोसोम फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस और प्रोटीन फैक्ट्री है हमारी राइबोसोम्स. ओके, ऑल्सो दे प्रोवाइड साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स. हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी, वी ओनली स्पोक फ्यू वर्ड्स अबाउट इट, दैट प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं होते हैं. बट राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं. बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राइबोसोम फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द राइबोसोम फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. तो जैसे हमने बात की है स्मॉलर सब यूनिट एंड अ लार्जर सब यूनिट. सो हम जब राइबोसोम्स को बात करेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, सो जो इनमें जो होता है वो होता है 70S, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें हमारा जो राइबोसोम होता है उसको हम बोलते हैं 80S. ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा 70S है और यूकैरियोटिक सेल में 80S है. बट नाउ वी नीड टू फर्दर डिवाइड इट इनटू द स्मॉलर सब यूनिट्स. जो 70S है उसकी स्मॉल सब यूनिट को हम बोलते हैं 30S, और उसकी लार्ज सब यूनिट को हम बोलते हैं 50S, और यूकैरियोटिक में हम बोलते हैं स्मॉलर को 40 और लार्जर को 60. इट्स नॉट 60+40=100. नो, इट्स नॉट एनीथिंग प्लस प्लस, कुछ नहीं है इसमें. स्मॉलर सब यूनिट को अलग से बोला हुआ है, लार्ज को अलग से बोला हुआ है. सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 80S में बात कर रही हूँ यूकैरियोटिक सेल में, सो वी विल हैव अ 60S लार्जर या लार्ज सब यूनिट एंड अ 40S स्मॉल सब यूनिट. ओके, फाइन. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 70S, आई विल हैव अ 50S लार्जर सब यूनिट एंड अ 30S स्मॉलर सब यूनिट. इज दैट क्लियर? That every ribosome has two subunits, one is the large, one is the small. And when I'm talking about prokaryotic cell and the eukaryotic cell, they both will have ribosomes, but they both will have different kind of ribosomes. The one in the prokaryotic cell is known as the 70S, and the one in the eukaryotic cell is known as the 80S. And then we have to further divide the 80S into 60 and 40 according to large and small subunit, and then 50 and 30 for 70S according to the large and small subunits. Okay, so moving ahead to the next organelle, which is the Golgi complex or the Golgi body. This is the fourth one we are going to talk about, Golgi complex or Golgi apparatus. So Golgi apparatus was the first organelle to be observed in detail. Important point, पहला ऑर्गेनेल जो थोड़ा बहुत भी हमने डिटेल में पढ़ पाए साइंटिस्ट, दैट वाज द गोल्जी एपरेटस. इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. इट इज अ साइंटिस्ट, इन्हीं के बेसिस पे इसका नाम है. कैमिलो गोल्जी इज अ साइंटिस्ट, इटालियन फिजिशियन थे ये, जिनके बेस पे ही गोल्जी बॉडी का नाम आया फिर गोल्जी एपरेटस. अब ये भी क्या होता है बेटा, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वहां पे भी हमने बात की थी कि मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है. सिमिलरली गोल्जी एपरेटस इज अ membranous structure that originates from the smooth endoplasmic reticulum. So इनका endoplasmic reticulum से थोड़ा बहुत लेना देना है. So थोड़ा बहुत लेना देना because they are also formed of the membranes. तो कौन से उससे बन रहे हैं? Smooth endoplasmic reticulum से हमारा जो है Golgi apparatus बन रहा है. And similar to endoplasmic reticulum, ये जो बने होते हैं cisterns के बने होते हैं vacuoles and vesicles. हमने वहां बात करी थी cistern, vesicle and tubules. बट यहाँ हम बात कर रहे हैं सिस्टर्न वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स के, ये बने होते हैं. ओके, इट हैज टू, इट इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू फेस. ओके, सो द वन व्हिच इज द फॉर्मिंग फेस इज द कॉम्प्लेक्स
द कॉन्वेक्स वन विच इज द फॉर्मिंग फेस इसको हम बोलते हैं सिस, एंड द कॉन्केव इज द मेच्योरिंग फेस एंड दिस इज नोन एज द फॉर्मिंग फेज. ओके, सो इट इज डिवाइडेड इन टू द टू फेजेस. आई टोल्ड यू वन इज द सिस एंड द अदर वन इज द ट्रांस. ओके, जो सिस है दिस इज द फॉर्मिंग फेज और जो ट्रांस है ये है मैच्योरिंग फेज. यहाँ पे मैच्योर हो रहे हैं और जो फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं सिस पे. ओके, तो कैसे हो रहा है बेटा, हमारे ऐसे ऐसे सैक्स अरेंज होते हैं. तो दिस कॉन्वेक्स पार्ट, जो यहाँ पे कॉन्वेक्स फेज है इसको हमने बोला है हमारा द कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेज, दिस इज नोन एज द सिस, एंड द कॉन्केव एंड मैच्योरिंग फेज दिस इज नोन एज द ट्रांस. क्लियर? सो अब हमने अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ, लेट मी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन सैक्स, ये जो है फ्लैटेंड है, डबल वॉल्ड सैक्स हैं, ये अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर पैरेलली. ठीक है, अब इन दोनों के बीच फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ द मेम्ब्रेन्स, इनके बीच में इफ आई एम टॉकिंग इनके बीच में होगा फ्लूइड. ओके, देन सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्न, ये बहुत सारे सैक्स जब मिलके बना देंगे एक सिस्टर्न. द सिस्टर्न्स आर पैक्ड वन अबव द अदर, ये जो बहुत सारे सिस्टर्न्स हैं एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होते हैं. एज आई टोल्ड यू दे कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, ये हमने पहले ही बात कर लिया कि ये बने होते हैं. सिस्टर्न्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, दीज आर एबसेंट, वेयर आर दे एबसेंट, दे आर एबसेंट इन द आरबीसीज ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स. ओके, जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं ये, और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम ग्राउंड टू अबव. ओके, सो आरबीसीज में एबसेंट होते हैं ये और सीव ट्यूब्स में एबसेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में भी ये एबसेंट होते हैं या फिर थोड़े छोटे मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, वहाँ हम इनको बोलते हैं डिक्टायोसोम्स. इम्पॉर्टेंट अगेन कि प्लांट सेल में गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स. अब हमने बात करी है द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर हमने बात करी कि ये ऐसे वेसिकल्स वैक्यूल्स और ट्यूबुल्स की फॉर्म में होंगे और सिस्टर्न में ऐसे पैरेलली सिस्टर्न्स अरेंज होंगे, दो फेजेस होंगे, द सिस द कॉन्वेक्स वन एंड ट्रांस द कॉन्केव वन, और इसके अलावा ये एबसेंट होंगे आरबीसीज और सीव ट्यूब्स में, एंड दीज आर नोन एज डिक्टायोसोम्स इन द प्लांट सेल. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, अब इनकी लोकेशन. बेटा हमने बात करी कि दे आर सम वॉट एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इनकी जो लोकेशन है दैट इज ऑल्सो इन द साइटोप्लाज्म नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इन द साइटोप्लाज्म में मिलेंगे एनिमल और प्लांट सेल के, एंड दे आर लिंक्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड होंगे क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये समवॉट बन रहे हैं. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम दैट इज गिवन इन योर बुक. This is the cis phase. Then we have a trans phase. ठीक है, तो this is a maturing phase. यहाँ पे जो vesicles हैं ये release हो रहे हैं यहाँ पे. Fine. Okay. So इनके बीच में ये fluid भरा हुआ है. These cisterns are there. And then they are arranged one above the other. इन दोनों के बीच में space है जिसके अंदर fluid filled है. This is the basic diagram of Golgi apparatus. This is the diagram of Golgi apparatus seen in the electron microscope. या Golgi apparatus electron microscope में दिखता कैसा है, और इसको हमने फिर simplify करके अपने हिसाब से diagram बना लिया है. जो इससे पीछे का diagram था वो इसी को हमने वो करके बनाया है. This is a trans phase. ठीक है, This is the cis phase. ये cis phase है, ये trans phase है. Okay. नाउ द फंक्शंस, स्ट्रक्चर की बात हुई है, लोकेशन की बात हुई है, नाउ द फंक्शंस. ओके, सो गोल्जी एपरेटस इज चीफली कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन. सो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स होंगे या फिर और भी कोई सब्सटेंस अगर किसी को सिक्रीट करना है दैट विल बी डन बाय अ गोल्जी बॉडी. इट ट्रांसपोर्ट्स द सिंथेसाइज सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. हमने अगर बात करी कि कुछ भी चीज़ सिंथेसाइज हुई है, ठीक है, सो सपोज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई लिपिड सिंथेसाइज हुआ है एंड इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट. सो सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है ये कौन संभालेगा, ये सारा काम ट्रांसपोर्टेशन का संभालती है गॉल्जी बॉडी. इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स.
हम इसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं वो है लाइसोसोम। सो लाइसोसोम बनाता कौन है? लाइसोसोम बनते हैं हमारे गोल्जी एपरेटस से, लाइसोसोम बनते हैं और सेल वॉल और थोड़ा बहुत प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स विच कंटेन सेलुलर सिक्रीशन। जो हमने बात करी कि इसका जो काम है सिक्रीशन का है, एक तो एक ट्रांसपोर्टेशन का है, एक कुछ चीज़ों को फॉर्म करने का है। तो जो सिक्रीटेड सब्सटेंस है वो एक वैक्यूल में बन के, ऐसे कुछ चीज़ सिक्रीट हुई और उसका एक ऐसे वैक्यूल बन जाता है इसके अंदर सिक्रीटेड है, एंड देन वी हैव अ वैक्यूल विद अस। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स है, कोई प्रोटीन है, सेलुलोज है, मेलानिन पिगमेंट है, लैक्टोप्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन या कोई भी लिपिड या कुछ भी सब्सटेंस जो ये सिक्रीट करेगा सेल, उसको ये एक वैक्यूल में पैक कर देती है। सो इट जनरली ट्रांसपोर्ट्स द थिंग्स, इट पैक्स द थिंग्स समवॉट, देन इट सिक्रीट्स, ओके, एंड थोड़ी बहुत चीज़ों की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी फिर मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस सैक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। सो इन स्ट्रक्चर इफ आई एम टॉकिंग, इट इज समवॉट सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इसकी वो है लोकेशन है, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फंक्शंस आर हियर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, विच इज द सिक्स्थ वन, विच इज द फिफ्थ वन, लाइसोसोम्स। ओके, सो लाइसोसोम्स क्या होते हैं बेटा? लाइसोसोम्स, आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग अबाउट लाइसोसोम, दैट गोल्जी बॉडी बनाती है लाइसोसोम्स। ओके, सो व्हाट आर लाइसोसोम्स? दे आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। सारे ही जो हम सेल ऑर्गेनल्स बात कर रहे हैं, ऑल आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम उनको देख सकते हैं। दे आर दैट स्मॉल। ओके, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल। जनरली यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में मिलते हैं ये। दे वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय बेल्जियन बायोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी दुवे। ओके, सो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया और इनको नेम किया। नाउ व्हाट आर बेसिकली, व्हाट आर दे? दे कंटेन, इनके एक सैक होता है बेटा, और उस सैक में बहुत सारे एंजाइम्स पैक्ड होते हैं, सारे डाइजेस्ट, जो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। इवन इफ द रप्चर, अगर वो फट जाएंगे, लाइसोसोम अगर फट जाए, तो उसमें इतने एंजाइम्स हैं कि वो खुद को सेल्फ डाइजेशन कर सकता है, वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। ओके, सो दे कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होता है इनके अंदर? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंड दे आर सम एंजाइम्स कहाँ से आए इनके पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए एंड आर ब्रॉट टू द लाइसोसोम थ्रू गोल्जी एपरेटस। पहले गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके बाद गोल्जी बॉडी के पास गए, गोल्जी बॉडी ने पैक करके इनको लाइसोसोम्स को दे दिया। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज कि एंजाइम्स बने का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर गोल्जी बॉडी के थ्रू ये गए लाइसोसोम में पैक होके। ओके, नाउ व्हाट आर द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या है? मेम्ब्रेनस सैक है, ऐसे एक सैक है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड हैं, बडेड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से बने हैं। जैसे हमने गोल्जी बॉडी से देखे थे कि बहुत सारे वेसिकल्स निकल रहे थे उसके ट्रांसवे से, सिमिलरली ये उसी में से एक लाइसोसोम भी निकल सकता है। एंड देन दे आर सराउंडेड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन। बहुत सारे एंजाइम्स एक सिंगल मेम्ब्रेन में पैक्ड होते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया है, एक ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इट हैज़ ओनली वन मेम्ब्रेन विच इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अंदर ये पूरा एंजाइम से फिल्ड है, और वेन दिस विल रप्चर, जब ये फट जाएगा तो ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेगा अपने आसपास जो भी कुछ है। दिस इज हाउ दे आर सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये वेसिकल्स दिखते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लोकेशन, कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल एनिमल सेल्स एंड ऑफ फ्यू लोअर प्लांट्स सच एज फंगाई एंड ईस्ट। ओके, सो मेनली हमने बात करी कि जो ये लाइसोसोम्स हैं, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। ओके, फंक्शंस क्या हैं? दे सर्व एज इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर, इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल्स, तो इनसाइड द सेल कुछ भी डाइजेस्ट करना है, इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम इनको यूज करते हैं। सो दे, बिकॉज दे हैव ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सो दे आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो सेल का हमें कुछ भी डाइजेस्ट करना है, सो वी विल बी यूजिंग लाइसोसोम्स, दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल। ओके, नाउ लाइसोसोम पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सो फूड मटेरियल को भी डाइजेस्ट यही करेंगे।
अंडर डिजीज कंडीशन, जब कोई सेल को डिजीज हो जाती है या फिर वो रिपेयर नहीं हो सकता है, ऐसी कंडीशन में बूढ़ा हो गया है सेल या डैमेज ज़्यादा हो गया है, तो क्या होगा, लाइसोसोम विल बर्स्ट, लाइसोसोम फट जाएगा एंड एंजाइम्स सारे रिलीज हो जाएंगे और वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर लाइसोसोम फट गया तो सेल की सुसाइड हो जाएगी, सेल खुद में ख़त्म हो जाएगा। सो लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सो सिमिलरली दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया या फिर एनी अदर फॉरन बॉडी एंटरिंग इन टू द सेल। अगर कुछ बैक्टीरिया या हम पे किसी चीज़ का अटैक हो जाता है तो उसको कैसे ये अपने एंजाइम्स रिलीज करके और उसको ख़त्म कर देते हैं। दैट्स वाई दे हेल्प अस विद फाइटिंग द बैक्टीरिया एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो इफ आई सम अप कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, सो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये है सेल का, फूड मटेरियल्स को ये डाइजेस्ट करते हैं, दे आर द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। कोई वॉर्न आउट सेल है, कोई डिजीज्ड सेल है, कोई ओल्ड सेल है, वो सब जो है अगर ख़त्म करने हैं तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। एंड कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन मटेरियल ऐसा आ गया है विच इज़ टू बी किल्ड, तो वो भी करेगा हमारा लाइसोसोमल एंजाइम्स जो इसके अंदर होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स टुडे। वी विल बी डिस्कसिंग मोर इन अवर कमिंग वीडियोज़। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।